वेलकम टू विवान स्टडी गाइस, आज है 21 जून 2020 और 21 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट से अपने आप को डेली अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो या किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट की वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर पर। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। और अगर इस करंट अफेयर की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये गाइस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जून। ठीक है दोस्तों, तो देश की ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया है और इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य होंगे। ठीक है, तो इतना याद रखें। और इस स्कीम के तहत नरेंद्र मोदी ने जो है इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि जो गरीब लोग हैं और जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं जिनके पास कोई काम व्यवसाय नहीं है तो उनको इनसे हेल्प मिलेगी। ठीक है, इस अभियान से, इससे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जो है लोगों के हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो याद रखें कि ये जो है स्कीम, ये अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जून को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी। ठीक है, अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है कोरोना वायरस की वजह से पुरी में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो हर साल निकाली जाती है उस पर अभी रोक लगा दी है। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखें कि जो है जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे, ये पुरी में है और इसकी जो हर साल यात्रा निकलती है उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और ये कहाँ पड़ता है, पुरी में, और पुरी कहाँ है, पुरी पड़ता है उड़ीसा में, याद रखेंगे गाइस, उड़ीसा में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें उड़ीसा की, तो गाइस ये है उड़ीसा मैप में। ठीक है, और उड़ीसा में ही पुरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पुरी, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। और अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो किसी कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, नवीन पटनायक, याद रखेंगे गाइस, नवीन पटनायक। और यहाँ पे जो बात हुई सुप्रीम कोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें जो है चीफ जस्टिस कौन है, CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, याद रखेंगे शरद अरविंद बोबड़े। और गाइस, यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें तो जैसे यहाँ पड़ता है ऑप्शन ए खजुराहो, खजुराहो जो है ये MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश, और इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ के जो उप गवर्नर हैं अनिल बैजल हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कौन है, दिल्ली के विजय कुमार देव। ठीक है, याद रखेंगे विजय कुमार देव। और ऑप्शन सी की बात करें मुंबई, तो मुंबई की जो कैपिटल है, सॉरी, मुंबई एक शहर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, और गवर्नर कौन है यहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी, और चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, अजीत पवार, याद रखेंगे अजीत पवार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोपीय चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में कितने नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 खेलों को। ठीक है, जो यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में जो नए चार खेलों को शामिल किया गया है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें जो बीच वॉलीबॉल, कैनो स्प्रिंट,
स्पोर्ट क्लाइंबिंग और टेबल टेनिस को शामिल किया गया है। यहाँ इसमें केवल स्विमिंग को नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप 2022 में 11 से 21 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिक में होनी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये जो चैंपियनशिप होनी है इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, UEFA, ठीक है, यूरोपियन चैंपियनशिप, ठीक है, याद रखेंगे कि यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो है इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में, याद रखेंगे 1958, UEFA यानी यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप की स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्सा पोलैंड। और यह इसके प्रेसिडेंट कौन है, अलेक्जेंडर सेफेरिन, ठीक है, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वुमेन्स टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज रेचल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम, ठीक है। न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम से जो है रेचल प्रीस्ट ने अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो गेम्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होंगे उनसे संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की है। और अगर हम बात करें रेचल प्रीस्ट की, तो गाइस ये हैं रेचल प्रीस्ट और इन्होंने ही संन्यास लेने की घोषणा की है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होते हैं उनसे संन्यास लेने की घोषणा की है। और उन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली थी, लेकिन वे अब भी तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी। न्यूजीलैंड में जो नेशनल या लोकल जो गेम्स होंगे उनमें ये प्ले करेंगी, लेकिन इंटरनेशनल प्लेज में, इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, उससे उन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है, और तस्मानिया के लिए क्रिकेट खेलती रहेंगी। तो इतना याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए किस फुटबॉलर का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। तो उस फुटबॉलर का नाम बताना है जिसको जो है पद्मश्री अवार्ड जो है दिलाने के लिए नाम उसका खेल मंत्रालय को भेजा गया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IM विजयन, ठीक है, IM विजयन। अगर हम बात करें IM विजयन की, तो दोस्तों ये हैं IM विजयन, ठीक है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। और उन्हें पहले भी वर्ष 2003 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, और साथ ही वे 3 बार AIFA प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे हैं, ठीक है, याद रखें कि किस चीज़ के 3 बार प्लेयर्स रहे हैं, प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे हैं, तो AIFA, ठीक है, तो इतना याद रखें। और अगर यहाँ बात आई दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, तो गाइस अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को, और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है द्वारका में है, दिल्ली, और अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल, याद रखेंगे कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। और यहाँ की जो महिला कोच हैं कौन है, मैमोल रॉकी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस अगला क्वेश्चन है, गाइस 6 आयरलैंड, मैक्सिको, डेस और नॉर्वे को हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। बताना है कि कौन सा कंट्री है, एक है आयरलैंड, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है नॉर्वे, चौथी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। इंडिया को जो है सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो जिसमें जो हैं कंट्रीज़ जैसे आयरलैंड, मैक्सिको, भारत और नॉर्वे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई 7वां क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किसके तत्वाधान में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ठीक है, किस शीर्षक के साथ तैयार की गई है, बताना गाइस कि मतलब भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किसके तत्वाधान में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन शीर्षक के साथ तैयार की गई है। तो बताना है कि किसके तत्वाधान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन शीर्षक के साथ जो है भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की गई है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, जिसकी बात आई यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, तो गाइज ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और इसके जो मिनिस्टर कौन हैं, इसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस की, तो 2006 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, और इसके जो ऑफिस होल्डर कौन है, मतलब इसके जो मेन ऑफिशियल ऑफिसर्स कौन हैं, YS चौधरी, और जो इसके मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन हैं, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम, याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है, तो कौन सा ऐसा स्थान है इंडिया में, किस शहर में, किस स्थान पर जो है यह ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी जो है अपने व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे बात आई है ब्रिटिश पेट्रोलियम की, गाइस तो इसको देख लेते हैं। तो गाइस ये है जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1909 में हुई थी, याद रखेंगे 1909 में। और इसके संस्थापक जो हैं विलियम नॉक्स डी आर सी हैं, और हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस सीमेंट ने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JSW सीमेंट, ठीक है गाइस। तो JSW ने क्या किया है, इस सीमेंट कंपनी ने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सौरव गांगुली और सुनील छेत्री की, तो 19 जून 2020 को JSW ग्रुप के एक हिस्से JSW सीमेंट ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान के रूप में नियुक्त अनुबंधित किया गया है, और पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा में उनके मार्केटिंग अभियान लीडर चॉइस के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि JSW के जो है क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है कौन, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, ठीक है, याद रखेंगे इतना। और गाइस यहाँ पे बात आई है JSW सीमेंट की, जिसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो CEO हैं नीलेश नर्वेकर हैं, और इसको जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वो हैं नरेंद्र सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन हैं, JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पार्थ जिंदल, ठीक है गाइस, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के खगोलविदों ने हाल ही में एक्सरे फटने के बाद 240 वर्षीय न्यूट्रॉन स्टार स्विफ्ट J1818.0-1607 की खोज की, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा नासा। नासा जो है जो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, इसने क्या किया है कि एक्सरे के फटने के बाद 240 वर्षीय न्यूट्रॉन स्टार स्विफ्ट J1818.0-1607 की खोज की है, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो दोस्तों ये है नासा, ठीक है, नासा क्या है, ये अमेरिकन जो है स्पेस एजेंसी है। और क्या हुआ इसमें, इसने नासा ने क्या किया है कि एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जो है उसमें क्या पाया गया कि नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स यानी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी है अमेरिका की, इस यहाँ के जो खगोलविद हैं, ठीक है, ये सबसे छोटे ज्ञात मैग्नेटर की खोज की है, जिसका नाम स्विफ्ट J1818.1-1607 है, जो पृथ्वी की लगभग 16,000 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है गाइस, याद रखेंगे कितना दूर, 16,000 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है। और यह पहली बार 12 मार्च को नासा के नील गेहलर्स स्विफ्ट वेधशाला द्वारा खोजा गया था, जब बड़ी मात्रा में एक्सरे इसके द्वारा उत्सर्जित किए गए थे। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के XMM न्यूटन वेधशाला और नासा के न्यू स्टार दूरबीन ने फिर इस मैग्नेटर का अध्ययन किया और पाया कि यह सबसे कम उम्र का 240 साल पुराना था, ठीक है, तो इतना याद रखेंगे।
और अगर हम यहाँ पे बात करें नासा की दोस्तों, तो नासा जो स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी, मैंने पहले ही बात की, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC और अमेरिका में, और इसके जो है प्रशासक कौन है, जिम ब्राइनस्टीन, ठीक है, जिम ब्राइनस्टीन। और गाइस अगर हम ऑप्शन में अगर वापस देखते हैं, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिलता है ऑप्शन ए, RFSA या रॉस कॉस्मोस, ठीक है। और तो क्या है, ये जो है रशियन स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉस्को रसिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 फरवरी 1992, ठीक है। और इसके जो है एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके, वो हैं दिमित्री रोगोजिन, ठीक है, याद रखेंगे दिमित्री रोगोजिन जो है इसके RFSA यानी रॉस कॉस्मोस की जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, ठीक है। और अगर हम ऑप्शन बी की बात करें इसरो की, तो इसरो के जो हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में है, और इसके संस्थापक कौन, विक्रम साराभाई, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969, और डायरेक्टर कौन है, कैलाश के सिवान, ठीक है, याद रखेंगे इसके डायरेक्टर कौन है, के सिवान। और अगर हम बात करें यहाँ पे नासा की, तो नासा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइस इतना याद रखेंगे कि किस स्पेस एजेंसी के गोलविदों ने हाल ही में एक्सरे फटने के बाद 240 वर्षीय न्यूट्रॉन स्टार स्विफ्ट J1818.0-1607 की खोज की, तो वो गाइस वो स्पेस एजेंसी कौन सी है, वो है नासा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसने COVID-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब, याद रखेंगे गाइस आई लैब, एक DBT AMTZ मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी क्या किया है कि COVID-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब एक DBT AM मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च की है, ठीक है। और भारत के ग्रामीण अब इसको लॉन्च किया गया, क्यों किया गया है, इसका रीज़न क्या है लॉन्च करने का, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो भारत के ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों में COVID-19 परीक्षण तक पहुंच प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की पहली आई लैब संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखेंगे हर्षवर्धन ने किस चीज़ का आई लैब, ठीक है, भारत की पहली आई लैब, तो वैन में चलेगी, वैन में पूरे उपकरण होंगे, और कहीं भी अगर कोई कोरोना ग्रसित पाया गया तो उसका वहीं पे इलाज होगा, साथ ही साथ जो है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। और जो आई लैब एक मोबाइल परीक्षण सुविधा है, ठीक है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से आंध्र प्रदेश मिड टेक जोन टीम द्वारा बनाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो है इसके इसमें जो है किसके माध्यम से किया गया है, मंत्री कौन है, वह गाइस डॉक्टर हर्षवर्धन, तो दोस्तों याद रखेंगे ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने ही COVID-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब एक DBT AMTZ मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च की है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो गाइस ये था आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन।